अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए प्रिंटर के साथ। दोस्तों ये HP का ऑल इन वन M1210 प्रिंटर है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर हमारा आने वाला नया वीडियो आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसके मतलब बताता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं ये पैकिंग वगैरह उतारता हूँ। दोस्तों ये HP की 1210 ऑल इन वन मशीन है। इसकी मदद से हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये स्कैनर है इसका, इसकी मदद से फोटोकॉपी भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको इसके मतलब ये थोड़ी सी मालूमात बताता हूँ। दोस्तों ये इसकी ट्रे है, इसके अंदर हम पेपर रखते हैं और पेपर आके हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी ट्रे वन है, इसके अंदर ट्रे टू नहीं होती। तो दोस्तों ये इसका स्कैनर और ये इसका डॉक्यूमेंट फीडर। अगर हमने सेट वाइज इस्तेमाल करना इसको तो ये हम डॉक्यूमेंट फीडर इस्तेमाल करते हैं। और ये इसका टूनर, ये इसका टूनर है। ये एक दफा फिल होकर तकरीबन 800 से 900 कापी निकाल सकता है। दोस्तों ये सिर्फ हम ऑफिस या होम में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम दफ्तर या सिर्फ घर में यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमर्शियल इस्तेमाल के लिए नहीं है। अब दोस्तों मैं इसका आपको इसको ऑन करके आपको चेक कराता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें पावर की लगाएंगे और ये हमारी मशीन ऑन हो गई है। ये कुछ टाइम लेगी इनिशियलाइजेशन होने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मशीन अब ऑन हो गया प्रॉपर। अगर हमने किसी चीज़ की कॉपी निकालनी है तो इसको प्रॉपर, हमने इसकी कॉपी निकालनी है तो इसको हम ऊपर रखेंगे। इसका स्कैनर A4 साइज का है, लीगल वगैरह हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लीगल पे हम प्रिंट तो निकाल सकते हैं मगर स्कैन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका स्कैनर सिर्फ A4 साइज का है। ये कॉपी का बटन है, हम इसको प्रेस करेंगे तो ये कॉपी निकाल देगा। अगर हमने ज़्यादा कॉपी निकालनी है तो ये इसका कीपैड है। फर्ज करो हमने 12 कॉपी निकालनी है तो ये 12 की लिख दिया, तो कॉपी का बटन नपाएंगे तो ये 12 प्रिंट निकाल देगा। अभी हमने सिर्फ चेक करना है। तो ये मैंने कॉपी का बटन प्रेस किया, ठीक है दोस्तों, ये इसने कॉपी निकाल दी।
ये मैंने इसे इसकी कॉपी की है और ओरिजिनल मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें कॉपी और ओरिजिनल में बिल्कुल मामूली सा फ़र्क है। इसका स्कैनर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें एलईडी वाला स्कैनर लगा होता है दोस्तों। इसके अलावा अगर इसमें पेपर फंस जाता है, फर्ज़ कर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइट वगैरह ऑफ हो जाती है या किसी वजह से पेपर ऑफ हो जाता है तो इसके अंदर पेपर फंस जाएगा, तो निकालने का तरीका इस तरह के इसको हम ऊपर उठाएंगे। अगर हमें यहाँ पेपर नज़र आ रहा है तो हम इसे आसानी से आस्ता आस्ता खींच लेंगे। अगर पेपर नीचे है तो इससे हम ऊपर उठाएंगे और ये टनर खींच देंगे और फिर आस्ता से पेपर खींच लेंगे। यूँ ही हमें पेपर नज़र आएगा हम उसे आसानी से आस्ता आस्ता खींच लेंगे और फिर दोबारा टनर लगा के हम इसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी कॉपी कोई पुरानी है और हमने इसे कॉपी निकाली है, फ़र्ज़ करो ये हमारे पास ये तो बिल्कुल नहीं होना है, अगर कॉपी सही नहीं है तो हमने इसे डार्कनेस ज़्यादा कर लें। ये डार्कनेस का बटन है, इसे प्रेस करेंगे अभी ये सेंटर में है, इसे प्रेस करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा और इसे दोबारा प्रेस करें हम अपनी जगह पर ले सकते हैं, यानी कि इसे हम लाइट तेज़ भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं और हम इसे कंप्यूटर के साथ लगा के प्रिंट भी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर के साथ लगाने के लिए इसकी पोर्ट हम मैं चेक करता हूँ। ये कंप्यूटर के साथ लगाने के लिए यूएस पोर्ट है इसकी। इसके अलावा इसमें फैक्स की सहूलत भी है और इसकी नेटवर्किंग की सहूलत भी है, इसे हम नेट के साथ भी अटैच कर सकते हैं। ये छोटा सा ऑल इन वन प्रिंटर हम इसे घर में या ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं मगर कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।